मेरा मेन मोटिव इस चैलेंज को करने का है कि फिटनेस, वो तो यार दैट इज़ प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन वो। और दूसरा, हमारी आज की जनरेशन, युवा पीढ़ी जो है, काफ़ी नशों की तरफ भाग रही है। नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही है, फ़ोन में देख लेते हैं और यार दोस्त मजाक मजाक में उनको करा देते हैं और आदतें पड़ जाती है, आदतें पड़ती है तो छूटती नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार फिटनेस 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 रखो, अपनी फिट रहो। और दूसरा अपना स्टडीज़ है, वो आपकी प्रायोरिटी है अभी, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। पढ़ोगे तो तभी कुछ कर पाओगे, पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, वो तो है ही है। लास्ट टाइम थोड़ा सा मजाक मजाक में 90 डेज पूरे करे थे, वो भी कभी 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, पर इस बार थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से फिनिश करूँगा। अभी थोड़ी रनिंग कर ली है, 2 चक्कर ग्राउंड के हो गए। आज ठंड भी काफ़ी है, फॉग भी ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं करूँगा नहीं तो बीमार हो जाऊँगा। फिर तो चैलेंज पहले दिन ही खत्म हो जाएगा मेरा। रोज आते हो? अरे बहुत अच्छी बात है, आज तो बहुत ऐसे ठंड ठंड वाला मौसम है, हमें खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है इसे देख के ना। आजकल के यंगस्टर आते नहीं, दौड़ भी लगाते हो? अरे वाह, ये तो हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद अंकल जी। अंकल इज मोर देन 50 बट ही इज रेगुलर, कह रहे रोज आता हूँ मैं। मोटिवेशन भाई मोटिवेशन, ये तो चाहिए हमें। स्प्रिंट मारी दो, अभी बहुत ज़्यादा सांस फूल गया, तो अपना तो एक ही है, फिट रहो, खुश रहो और अपने में मस्त रहो, दुनिया का ही तेल है ये। दौड़े देख रहे हो, ऐसे बनते मेहनत से, ऐसे नहीं बनते घर में बैठे बैठे।